Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we are going to discuss the part third of M.S. Bhubaneshwar Radiographer recruitment paper 2023. So guys, without wasting time, let's get started. Today's question number first is which of the following is a common symptom of neoplastic conditions in the gastrointestinal tract? इन में से कौन सा कॉमन सिम्टम होता है नियोप्लास्टिक कंडीशनज का गैस्ट्रो ट्रैक्ट में तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है ब्लड इन स्टूल कफिंग ब्लड विजन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन सो इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज ब्लड इन स्टूल नो लेस टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज वट इज द टर्म फॉर एन एबनॉर्मल एन ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज सेल साइज एंड नंबर अगर किसी ऑर्गन या टिश्यू की एबनॉर्मल एन होगी ड्यू टू इट्स इंक्रीज सेल साइज एंड नंबर तो उसके लिए कौन सी टर्म है तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है एट्रॉफी डिस्प्लाशिया हाइपट्रॉफी मेटाप्लैशिया इट्स अप्रोप्रेट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ट इज हाइपर ट्रॉफी नाउ लेस मो टू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वट इज द टर्म फॉर ए लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस इन ए टिश्यू कैविटी फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ इंफेक्शन अगर किसी टिश्यू कैविटी में पस कलेक्शन हुई होगी कैसे एज ए रिजल्ट ऑफ इंफेक्शन तो उसके लिए क्या टर्म है इडिमा हेमेटोमा

तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या हैं स्कैनिंग पेशेंट इमिशन कंट्रोल टेक्निक सुपर इम्पोज पिक्चर एग्जामिनेशन फॉर क्लिनिकल टेस्टिंग सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्पेक्ट्रल इमेजिंग एंड कंप्यूटराइज टेस्टिंग क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज सिंगल फोटोन इमिशन टोमोग्राफी नाउ लेस मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज ट टर्म डिस्क्राइब इज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ़ सेल्स दैट ऑर्गेनाइजेशन तो अगर सेल्स लॉस्ट करेगी अपनी डिफरनशन को या ऑर्गेनाइजेशन को तो उस एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स के लिए क्या टर्म है ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है मेटाप्लेशिया एट्रोफी एनापलेशिया हाइपरट्रॉफी क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी

मैग्नेटिक इमेज प्रोजेक्शन इट इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज मैक्सिमल इंटेंसिटी प्रोजेक्शन आपने पढ़ा होगा पोस्ट प्रोसेसिंग में थ्री डायमेंशनल मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, इसमें जैसे सी टी एम आर आई में हम मिप एनालिसिस करते हैं एम आई पी मैक्सिमल इंटेंसिटी प्रोजेक्शन एनालिसिस सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन इज वट इज द टर्म फॉर ए न्यो ग्रोथ ट अपियर्स एज ए फ्ल्यूड फिलड सैक अगर न्यो प्लास्टिक ग्रोथ हुई होगी एंड दैट न्यो प्लास्टिक ग्रोथ विल अपियर एज ए फ्लूड फिलड सैक तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं इट इज़ पॉलिप सिस्ट नड्यूल ट्यूमा सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डेट इज़ सिस्ट ना लेस मू टू क्वेश्चन नंबर ऐट क्वेश्चन नंबर ऐट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कामन रेडियोग्राफिक फाइंडिंग एसोसिएटेड विद नमूनिया इन लंग पैथोलॉजी इन में से कौन सी कॉमन रेडियोग्राफिक फाइंडिंग होती हैं जो कि एसोसिएट होती हैं नमूनिया के साथ लंग पैथोलॉजी में तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं ऑस्टियोपोरोसिस कंसोलिडेशन पिलूरल इफ्यूजन एन्यूरिज्म क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज द कंसॉलिडेशन नो लेस मू टू क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन इज वट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग सेल्स और टिश्यूज अंडर ए माइक्रास्कोप टू डाइगनोस डिजीज हम कौन सी टर्म यूज करते हैं अगर हमें डिस्क्राइब करना होगा सेल्स को एग्जामाइन करने के लिए टिश्यूज़ को एग्जामाइन करने के लिए एक माइक्रोस्कोप के अंडर ताकि हम डिजीजेस को डायग्नोस कर पाए तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं रेडियोग्राफी रेडियोलॉजी हिस्टोलॉजी सोनोग्राफी क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज हिस्टोलॉजी नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन इज वट डज बी एम डी स्टैंड फॉर इन बोन डेंसिटी मेजरमेंट्स यूजिंग रेडियोग्राफी जब हम बोन डेंसिटी मेजरमेंट्स रेडियोग्राफी में करते हैं तो बी का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शनस देखते हैं क्या क्या है बॉडी मास डेंसिटी बोन डिजीज़, बोन मिनरल डेंसिटी बोन मास डायग्नोसिस। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोन मिनरल डेंसिटी

Radiation absorption density, radiation assessment data, radiological A. Its correct answer is option number A, that is radiation absorbed dose. Now वट इज़ द मीनिंग ऑफ एल आई एन ए सी लिनैक इन द कंटेक्सट ऑफ रेडियोथेरेपी अगर हम रेडियोथेरेपी के कंटेक्सट में देखेंगे तो लिनैक का फुल फॉर्म क्या है लिनैक की मीनिंग क्या है ऑप्शनज देखते हैं क्या क्या हैं लो इम्पैक्ट न्यूक्लियर एक्सेलेशन सर्किट लीनियर एक्सेलेटर लेज़र इंड्यूसड न्यूक्लियर एम्पलीफिकेशन चैम्बर लो इंटेंसिटी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन सर्किट क्लियरली इट्स राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज द लीनियर एक्सलरेटर नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज वट इज़ द मीनिंग ऑफ बी क्यू इन द कंटेक्सट ऑफ रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट अगर हम रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट के कंटेक्सट में देखेंगे तो बी क्यू का फुल फॉर्म क्या है या बी क्यू की मीनिंग क्या है तो ऑप्शनज देखते हैं क्या क्या है बायोकेमिकल क्वांटिटी बायोलॉजिकल कोशेंट बैक्यूरियल बैकग्राउंड क्वान्टा क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज बैक्यूरियल नाउ लेस मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज वट इज द पर्पज ऑफ ए लेड लाइन रूम इन रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी में लेड लाइनड रूम का पर्पस क्या होता है तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं टू कैलिब्रेट रेडियोलॉजी इक्विपमेंट टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी टू एनहानस रेडिएशन एक्सपोजर टू ब्लॉक रेडिएशन लीकेज क्लियरली जो लेड लाइनड रूम होता है रेडियोलॉजी में उसका पर्पस यही होता है ताकि रेडिएशन को ब्लॉक करे तो इट इज़ टू ब्लॉक रेडिएशन लीकेज नाउ लेस मूव टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज इन रेडियोग्राफी वट इज़ द कॉन्सिक्यूंस ऑफ केमिकल फॉग इन इमेज रेडियोग्राफी में एक्सेसिव केमिकल फॉग अगर इमेज पे आएगा तो उसका कॉन्सिकुंस क्या है ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है रिड्यूसड पेशेंट डोज इम्प्रूवड इमेज क्वालिटी इनक्रीज इमेज रेजोलेशन रिड्यूसड इमेज कंट्रास्ट क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर

Advanced luminosity and radiation analysis clearly, its right answer is option number A that is as low as reasonably achievable. Now, let's move to question number 17. Question number 17 is विच टाइप ऑफ रेडियशन हेज़ द हाइस्ट एनर्जी एंड कैन पेनीट्रेट द डीपेस्ट इन टू द बॉडी इन रेडियशनज़ में से किस रेडिएशन का हाइस्ट एनर्जी होता है और वो पैनीट्रेट कर सकता है डीपस्ट इन टू द बॉडी ठीक है तो ऑप्शनज़ देखते हैं क्या क्या है बीटा पार्टिकल्स एक्स रेज गामा रेज एल्फा पार्टिकल्स देखिए गाइज अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ना बीटा पार्टिकल्स हैं ना अल्फा पार्टिकल्स हैं अब यहाँ पे सवाल हैं एक्स रेज या गामा रेज तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिए वहाँ पे आता है जी एक्स यू वी आई एम आर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी गामा रेडिएशन की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सो इट कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द टिश्यू सो इट इज़ राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट इज गामा रेडिएशनज़ नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एक्स रे इंट्रैक्शन विद मैटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्पटन इफेक्ट कौन सी एक्स रे इंट्रैक्शन मैटर के साथ रेस्पॉन्सिबल है कॉम्पटन इफेक्ट के लिए तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन इलास्टिक स्कैटरिंग कोलियरली इट इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज द इन इलास्टिक स्कैटरिंग नाउ लेस मूव टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज वट फॉर इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है फोटोन एब्जॉर्बशन कंट्रोल सिस्टम Portable automated computerized scanner, picture archiving and communication system, personalized analysis of clinical scanners. Its answer is option number C, that is picture archiving and communication system. Now let's move to question number 20. Question number 20 is In radiation therapy, what is the term for the process of using images? टू प्लान द प्रिसाइज डिलीवरी ऑफ रेडिएशन रेडियोथेरेपी में हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं उस प्रोसेस के लिए जिसमें हम इमेजिंग यूज़ करते हैं ताकि हम प्लानिंग करें प्रिसाइज डिलीवरी ऑफ रेडिएशन के लिए तो उस प्रोसेस को हम आ, क्या कहते हैं उस प्रोसेस के लिए कौन सी टर्म है ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है सैम्यूलेशन रेडियोग्राफी कैलिब्रेशन डोजमेट्री